रेसिपी दिखने में इतनी सुंदर हो तो सोचिए खाने में कितनी टेस्टी होगी, और ऐसी रेसिपी को देखकर किसे भूख न लगे भाई। ऐसा मैं हमेशा कहती हूँ, भूख लग भी जाती है और भूख बढ़ भी जाती है। हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ओजोन किचन में आप सबका। तो आज क्या लाई हूँ मैं आप सबके लिए, थोड़ा सा हॉट, थोड़ा सा टेस्टी या फिर थोड़ा सा स्पाइसी, तीनों जो है ना इसके अंदर, इस रेसिपी में, भिंडी की इस रेसिपी में आपको मिलेगा हॉट, टेस्टी, स्पाइसी। लेकिन आपको पूरा वीडियो और पूरी रेसिपी को देखना इसका बहुत जरूरी है, छोटे छोटे टिप्स के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं। ये प्याज वाली भिंडी, और रख दी मैंने कढ़ाई गैस का बर्नर ऑन करके, और उसमें डाल दिया मैंने डेढ़ बड़ा चम्मच ऑयल। जी हाँ, बड़ा वाला डेढ़ चम्मच, क्योंकि कुछ सब्जियां जैसे भिंडी है, गोभी की सब्जी है, ये जो है ना थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा इसमें डालना पड़ता है क्योंकि ये सोख लेती हैं सब्जियाँ। तो यहाँ पर डेढ़ बड़ा चम्मच मैंने ऑयल डाला है। अगर आपको कम ऑयल पसंद है तो आप कम ऑयल में भी इसे बना सकते हैं। जैसे ही तेल गर्म होता है हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून हींग। जी हाँ, हींग का इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, और हींग जो है जीरा जब तड़क जाए उसके बाद ही हमें डालना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए कुछ चीज़ें जो है ना, थोड़ी सी सावधानी और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किससे सब्जी टेस्टी और डिलीशियस बनती है, इन सबको जानने के लिए आपको पूरा जो है ना रेसिपी का वीडियो देखना जरूरी होता है। और देखिए इसी बीच में 2 बारीक प्याज मैंने चॉप कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किए हैं ये मैं आपको बता दूँ। तो आप चाहें तो रफली भी चॉप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक प्याज या प्याज का पेस्ट इस सब्जी में आपको नहीं डालना है। तो यहाँ पर रफली चॉप कह लीजिए, या फिर थोड़ा सा मोटा प्याज जो है मैंने 2 काट के उसे भी इसमें डाल दिया है। और अब जो इस सब्जी को टेस्टी और यम्मी बनाने वाले जो प्रोसेस है ना, उसमें आपको मैं ये बता दूं कि इस प्याज को एकदम कुरकुरा सा रेड कलर, गोल्डन कलर तक हमें इसको चलाना है, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि प्याज काला ना हो, लाल कलर का हो जाए। देखिए धीरे धीरे प्याज का कलर चेंज हो गया है, तो ये प्रोसेस आप वहीं खड़े रहकर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बजाय गैस के ऊपर इस प्याज को ऐसे ही छोड़ देने से। उससे क्या है ना, सिमिलर सब जगह से प्याज जो है रेड कलर का अच्छे से हो जाएगा। और देखिए हल्का हल्का क्रिस्पी भी हो गया है और प्याज का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। और अब कर देना है हमें गैस की आँच को स्लो, जो कि पहले मैंने मीडियम करके इसका कलर चेंज किया था। और अब ये देखिए 250 ग्राम भिंडी है जिसे मैंने इस तरह से कट करके रख लिया है। ये देखिए इसका जो कटिंग का जो साइज़ है, ये मैं आपको वीडियो के बिल्कुल पास में ला के दिखा रही हूँ कैमरा को। तो ये इस तरह से जैसे ही काट लिया है, और देखिए प्याज का इस बीच में कलर और ज़्यादा डार्क हो गया है। गैस की आंच बिल्कुल स्लो है, और अब हमने डाल दी है इसके अंदर भिंडी, और भिंडी को डालने के बाद में इसे धीमी आंच है। अब गैस की आंच को आपको बिल्कुल भी तेज नहीं करना है, भिंडी को इसको इसमें प्याज के साथ इस तरह से चला के और अच्छे से मिला देना है। प्याज के कलर को चेंज करने में मुझे लगभग मीडियम आंच पे 5 मिनट लग ही गए थे। तो टाइम चाहे जितना भी लगे, लेकिन जो प्रोसेस मैंने आपको बताया ना, वो वैसा ही आपको करना है। गोल्डन कलर आने तक, प्याज के कुरकुरे होने तक हमें उसको चलाना है, और बस ये कलर आ जाए उस समय हमें डाल देना है भिंडी। और भिंडी डालने के बाद में इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। मैंने स्पून चेंज कर लिया है ताकि मैं अच्छे से इसे मिक्स कर पाऊँ, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। और अब मैं डालूंगी इसके अंदर 2 ग्रीन चिली जिसे मैंने लंबाई में काट लिया है, और 1 मीडियम साइज का टमाटर, उसे भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है कट करके छोटे टुकड़ों में। और अब डाल देंगे हम यहाँ पर नमक और धनिया पाउडर, नमक वही स्वाद अनुसार। धनिया पाउडर मैंने डाल दिया यहाँ पे 1.5 टीस्पून, और हल्दी डाल दिया मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून, और रेड चिल्ली पाउडर जितना आपको तीखा पसंद है, और गरम मसाला मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। और रेड चिल्ली पाउडर जो मैंने डाला है वो है 1.5 टीस्पून के आसपास, यानी कि 1.5 टीस्पून। और अब देखा आपने यहाँ पर टमाटर, हरी मिर्ची और सूखे मसाले डालने के बाद में मैंने इन्हें बिल्कुल भी नहीं चलाया है, बस सिमर गैस, यानी कि गैस की आंच को बिल्कुल धीमा करके मैंने 2 मिनट के लिए तो इसको ऐसे ही रख दिया है। और 2 मिनट के बाद में, 2 से 3 मिनट मान लीजिए, और 2-3 मिनट के बाद में हमने इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब देखिए इनको मिक्स करने के बाद में टमाटर का जो जूस है ना, वो नीचे तक आ गया था अपने आप ही, ताकि उससे क्या होगा कि ये जो भिंडी है वो जलती नहीं है, लेकिन वो टमाटर का जूस ड्राई भी हो गया साथ साथ 2-3 मिनट में। सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद में हरा धनिया मैंने डाल दिया है। अभी इसमें भिंडी एक दूसरे से आपस में चिपक रही है, और अब मैं फिर से इसको ढक्कन लगा दूंगी और गैस पे रख दिया मैंने 3-4 मिनट के लिए सिर्फ। और पूरी तरह से जो भिंडी है वो सॉफ्ट हो चुकी है, पक चुकी है, दूर से ही देखिए ऑयल भी निकल आ रहा है, पूरी तरह से ऑयल निकल गया है ये देखिए। और अब जो इसके अंदर जो भिंडी आपस में चिपकती है, उसके अंदर से जो एक
चिपचिपा सा जो लार वाला जो निकलता है ना, जो जिससे आपस में भिंडी चिपकती है, वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गया है। और लीजिए, गैस के बर्नर को कर दिए बंद और ये तैयार हो गई हमारी कुरकुरे प्याज वाली भिंडी, यमी सी, डिलीशियस सी। और इसके अंदर से जो हींग और हल्के से गरम मसाले की जो महक आ रही है ना, और ये जो प्याज है ना हल्का हल्का गोल्डन कलर का, जब आप इसको हर निवाले के साथ में यानी कि रोटी के साथ में खाएंगे ना, तो इसका एक अपना अलग ही टेस्ट होता है। तो एक बार भिंडी और मिर्ची और प्याज वाली सब्जी को इस तरह से मेरे पूरे बताए गए प्रोसेस से आप बनाकर देखिए, आपको सच में मजा आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे टिप जब आप पूरा वीडियो देखते हैं तभी आपको समझ में आता है। तो कभी भी वीडियो को स्किप या रेसिपी को स्किप मत कीजिए, चाहे आप वो किसी की भी रेसिपी देख रहे हो। तो ये लीजिए तैयार है और मुझे लग गई भूख। किस किस को ऐसी रेसिपी देखते ही भूख लग जाती है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मैं जल्दी मिलती हूं एक नई हॉट टेस्टी स्पाइसी रेसिपी लेकर, तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन गुड बाय करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा ब्लॉग वाला चैनल स्टार्ट हो चुका है और उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। OZONEVIBES ये आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, आपको मेरा चैनल वाला ब्लॉग वाला चैनल जरूर वहां पर पहले ही नंबर पर दिखाई देगा। तो जल्दी मिलती हूँ दोनों ही चैनल पर फिर से, तब तक के लिए गुड बाय।